अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। कैसे रहे आप लोगों के रमज़ान और ईद वगैरह सब कैसी रही। आई होप के बहुत खैर खैरियत से और बहुत अच्छी गुजरी होगी सबकी। अच्छा, आज का व्लॉग जो है मैं डाइट के हवाले से बनाने जा रही हूँ और एक रेसिपी बना रही हूँ आज डिनर में, हॉट एंड सॉर सूप। वो प्रॉपर एक हॉट एंड सॉर जिस तरह से होता है ना, वो मैं नहीं बनाऊँगी, ये होगा डाइट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हॉट एंड सॉर सूप में जो है केचप भी होता है और चीनी भी डलती है, तो हम वो नहीं डालेंगे। तो हम क्या डाल रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं और आगे डाइट की क्या क्या टिप्स मैं आपको दे रही हूँ और वेट कम करने के हिसाब से। इस सूप में या फिर किसी भी चाइनीज़ में मसला ये होता है, सिर्फ कटिंग करते रहो, कटिंग 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 में ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो बनाना कोई मसला ही नहीं है। 15 मिनट में सूप तैयार हो जाएगा। चलें फिर देखते हैं क्या रेसिपी है। अच्छा जी, ये देखें, ये है शिमला मिर्च, ये है बंद गोभी, ये मैंने एक थोड़ा सा मतलब पाव चिकन मंगवाया था वो है, ये है गाजर, थोड़े से मैंने टमाटर ले लिए हैं क्योंकि रेड हॉट एंड सॉर बनाना है और तो कोई चीज़ मतलब जाहिर सी बात है केचप वगैरह मैं डालूंगी नहीं, तो ये टमाटर का हम इस्तेमाल करेंगे। और लहसुन मैंने कूट लिया है। चलें फिर देखते हैं किस तरह से मैं बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरसों का तेल बहुत ही कम डालना है। और ये सरसों के तेल के मैंने फ़वाद आप लोगों को बताए होंगे बहुत, मतलब पिछली आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दोबारा से डाल दूँगी। सरसों के तेल में ये खासियत है कि आप इसको डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये वेट लॉस में बहुत काम आता है। ठीक है, अच्छा इसमें अब हम डाल रहे हैं लहसुन। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन डाल लेंगे। अच्छा ये है कि इस सूप में जो है हम किसी भी चीज़ को भूनेंगे नहीं, मतलब भुनाई नहीं होगी, बहुत ही लाइट रखेंगे बस गलावट के लिए, मतलब सिर्फ हर चीज़ गलाएंगे हम इसमें। अच्छा, इसमें जो है फौरन बस थोड़ा सा, इसमें बस ये है कि लहसुन में बस खुशबू आ जाए, उसके बाद जो है ये हम टमाटर डाल देंगे और ये भी जब गल जाएंगे सही तरह से तो हम इसको जो है आगे का प्रोसेस करेंगे। सिर्फ हमने गलाना है, भुनाई नहीं करनी है। अच्छा, ये हल्के से नरम हो गया तो इसमें मैं बस मज़ीद नरम करने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी तो हमने वैसे भी बहुत सारा डालना ही है इसमें, बस टमाटर गल जाए सही तरह से और इनका पेस्ट बन जाए, या तो आप पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, पेस्ट डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये टमाटर का जो है पेस्ट बन चुका है, अब हम इसमें जो है चिकन डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को भी हम भूनेंगे नहीं, बस इसको जो है गलाना है सही तरह से, उसके बाद हम अपनी सब्जियां डालेंगे इसमें। तो हम ढक देते हैं, बस चिकन भी हल्का सा जो है वो हो चुका है, गल चुका है, मजीद गलावट जो है उस वक्त होगी जब सारी सब्जियां वगैरह पानी वानी ये सब डालेंगे तो वैसे भी गल ही जाना है क्योंकि चिकन इतनी छोटी सी बोटियां हैं कि बहुत जल्दी गल जाता है। तो हम अपनी सब्जियां डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर, गाजर को क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये मैंने कद्दूकस की दिया है। गाजर डाल दी, एक साथ ही सारी सब्जियां डाल देते हैं। गोभी डाल दी, अच्छा जी अब हम डालते हैं शिमला। शिमला में जो रेड आ रही है ना, ये थोड़े दिन से रखी हुई थी तो खराब नहीं हुई है, लेकिन रेड हो जाती है थोड़े दिन रख के। अच्छा, अब इन सब्जियों को जो है हल्का सा शैलो फ्राई सिर्फ करेंगे, उसके बाद सारा बहुत सारा हम पानी डाल देंगे इसमें।
इसको भी हम जो है ढक देते हैं ताकि ये दम नरम हो जाए। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, चूंकि हमारी सब्जियां सारी जो है मिक्स हो चुकी हैं तो हम इसमें अपने मसाले डालना शुरू करते हैं। मसाले में मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर हम इसको अच्छा सा बॉईल देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम डालते हैं नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोग मतलब हम लोग ऊपर से डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर हर चाइनीज में डलता है, इट्स ऑल्सो अ मेन इंग्रेडिएंट। अच्छा, तो ये हॉट एंड सॉर सूप में अगर कुटी हुई लाल मिर्च ये भी डालना जरूरी होती है। ये अपनी हसब ज़रूरत डालेंगे, जितना आप वो रखना चाहें। अच्छा, इसके अलावा चिकन पाउडर मैं ये डाल रही हूँ। चिकन पाउडर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस सिर्फ जायके के लिए। मेरे पास ये बचा हुआ था तो मैं पूरा ही डाल रही हूँ, लेकिन इस पैकेट में मैंने पता नहीं कितने खाने बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा चिकन पाउडर नहीं डालना है। उसमें जायका जो है अगर लाइट रहे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा जायका भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन तो डाला है ना, उसका बस जायका इन्हेंस करने के लिए हमने ये डाल दिया। बाकी सॉसेस डालेंगे। ये ऑयस्टर सॉस जो है वो मेन इंग्रेडिएंट समझे चाइनीज़ में होता है। अगर आप ये ऑयस्टर सॉस डालते हैं किसी भी चाइनीज़ में तो इसका मज़ा दुबला हो जाता है। ये हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते, हल्का सा भी काफ़ी होता। खैर, इसके बाद हमने डाला है सोया सॉस एंड नेशनल का विनेगर। अच्छा, नेशनल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं की जो है क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि वो बहुत तीखे से होते हैं। और सूप में अगर आप बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें डालें घर के सूप में तो कमी बेशी रह जाए, तो आप ऊपर से डाल दें। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डाल रही हूँ, क्योंकि किसी को ज़्यादा सॉसेस पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो अच्छा, अब इसको हम मिक्स करके हल्की से जो है नरम तो हो चुकी हैं सब्जियाँ। अब इसको अच्छा सा बॉईल देने के लिए मैं बहुत सारा पानी डालने जा रही हूँ। ये मैंने डाले हैं 3.5 ग्लास पानी डाल के हम अच्छा सा इसको बॉईल देंगे। अच्छी तरह जब बॉईल हो जाए उसके बाद हम इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मसाले हमारे पूरे हो चुके हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना है, बस इसको बॉयल आने दें। अच्छा जी, अब ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ रफान का कॉर्नफ्लोर। और इसको मैं थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर चीज़ में डालने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाह की अनलिमिटेड बरकतें, अनलिमिटेड बरकतें, इसको हम लाइट नहीं ले सकते। अच्छा, ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2.25 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि घुटलियाँ ना बने। इसी तरह से हम जब डालते जाएंगे तब भी हम घुटलियाँ ना बने, उसको ज़्यादा जो है वो हिलाते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो है हल्का हल्का सा बॉयल आने लग गया, तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके और कॉर्नफ्लोर मिक्स करते रहेंगे इसमें। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह
इसको थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे, फिर जो है कि अच्छी तरह गाढ़ा होने लग जाएगा। अगर इसमें देखें केचप वगैरह डालते ना, तो केचप में ये था कि थोड़ा सा और रेड हो जाता, रेड हॉट एंड सॉर प्रॉपर एक वो बन जाता, और इसमें चीनी वगैरह डलती है तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन चूँकि हम डाइट के हिसाब से बना रहे हैं तो वो इस तरह से नहीं बनाएंगे हम लोग। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, काश वीडियोस में से जो है खुशबू भी आती। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है मैं दो जर्दियाँ रखी हुई थी अंडे की। वैसे तो इसमें जो है अंडे की सफ़ेदी लोग डालते हैं, या तो फिर जो है वो पूरे पूरे अंडे डाले जाते हैं। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मेरे पास जर्दी रखी हुई थी क्योंकि सुबह में जो है बहन को जो डाइट प्लान वो जो फॉलो कर रही है उसमें वाइट एग्स ले रही है, तो जर्दी रखी हुई थी तो मैंने इसमें डाल दिया। एंड में डालेंगे क्योंकि फिर अंडा ज़्यादा जो है वो सब भी अच्छा नहीं मिलता, तो इसको अब हम और चलाएंगे। बस अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हम इसको निकाल देंगे, हमारा सूप तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, जब तक जो है वो सूप तैयार हो रहा है तब तक मैंने आपको मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ टिप्स दे देती हूँ डाइट की। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, सुबह की ड्रिंक और रात का कहवा। ठीक है, रात का कहवा जो है आप किसी भी तरह का, मतलब जो चीज़ आपको सूट करती है, लाइक ज़ीरा है वो वेट लॉस के लिए काम आता है, सना मक्की वो वेट लॉस के लिए काम आता है, उसके अलावा आप अदरक अदरक सौंफ और पुदीना इसका कहवा ले सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, लेमन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फैट कटर है। उसके अलावा अच्छा, रात में कहवे की ये चीज़ें हो गई, इनको अच्छी तरह से बॉयल, मतलब आप समझे कि दो ग्लास पानी में अगर ये चीज़ें डालते हैं और फिर आधा ग्लास रह जा, मतलब आधा ग्लास रह जाता है, तकरीबन पौना ग्लास रह जाता है, तो आप उसका कहवा जो है बना के पी सकते हैं। और लेमन ज़रूर डालें अगर आपको सूट करता है, लेमन है, उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर है, वो रात में नहीं बल्कि आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुबह की ड्रिंक जो है, सुबह की ड्रिंक में ये है कि आप लीमू प्लस हल्का सा नीम गर्म पानी आपका लाजमी होना चाहिए, नीम गर्म पानी में लीमू और शहद डाल सकते हैं, वो पी सकते हैं, या फिर सुबह में जो है इस्बगोल और अलसी के बीज का पाउडर, और इसके अलावा मतलब इसमें लेमन डाल के वो पी सकते हैं, और इसके अलावा इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के या फिर लेमन डाल के वो आप पी सकते हैं। दूसरा ये कि दरमियान में आप क्या करें, दरमियान में ये करें कि आप फैट कटर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने अगर लंच लिया है, लंच के बाद आप कॉफ़ी लें, कॉफ़ी के अंदर जो है लेमन डालें, ये इतना बेस्ट फैट कटर है, आपका जो भी लंच वगैरह होगा उसकी कैलोरीज को काफ़ी हद तक वो कम करेगा। ठीक है, डिनर के बाद जो है आप एक ग्रीन टी, यानी कि अगर आपने ये चार ड्रिंक्स इस्तेमाल की ना दिन में, तो आपका बहुत जल्दी वेट लॉस। और दूसरा ये कि आपने वॉक लाजमी करनी है, वॉक जो है इतना अपने अंदर लाजमी करार देते हैं, थोड़ी सी 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप वॉक 1 घंटा 1.5 घंटा करें। मैंने ये फिटबिट वॉच ली है, इसीलिए ली है ताकि जो है इसमें स्टेप्स काउंट करके जो है वॉक करूँ। तो अभी तक समझें कि मेरे पास, मैंने हालांकि प्रॉपर एक वॉक नहीं की, लेकिन घर में इतना ज़्यादा एक्टिव रही हूँ कि मेरे 7,459 जो है स्टेप्स हो चुके हैं। मुझे इसको जो है वैसे तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको मुझे 10,000 या 11,000 तक लेकर जाना है, और वो मैं लंच डिनर के बाद जो है वो कर लूँगी बाकी। अच्छा जी, ये जो है हमारा सूप रेडी हो चुका है, डिश आउट किया जा रहा है।
ये जो है सही तरह से सब्जियां भी गल चुकी हैं, चिकन वगैरह सब कुछ वो हो चुका है और मिक्सअप हो चुका है, लेकिन ये रेड और रेड हॉट एंड सॉर नहीं है क्योंकि हमने इसमें केचप नहीं डाला और टमाटर ने उसकी थोड़ी सी कमी पूरी कर ली है। तो ये है हमारा सूप रेडी तैयार।